एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस आरागोर की बुक के सोम के चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में फोर्स गिवन है और रोड की सारी डायमेंशंस गिवन है। हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स यहाँ पे केजी में गिवन है और आंसर भी केजी में ही है, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अगर फोर्स केजी में होता, आंसर न्यूटन में होता, तो केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 होती है। सो यहाँ पे डायरेक्टली 3000 को 5/4 इंटू 2 का स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन काफी दूर है। सो अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट में पूछा है, कोई बट ज्वाइंट है जिसमें टू कवर प्लेट्स हैं, टू रोज ऑफ रिवेट्स हैं। सो इसके लिए हमें एग्जांपल देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। बट जॉइंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। हमें इन दोनों को जॉइंट करना है, तो उसके ऊपर ये कवर प्लेट लगा दी गई है। इसको बोलते हैं सिंगल कवर, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। यहाँ पे इस वाली, ये जो लेफ्ट साइड वाली जो प्लेट थी, इसमें भी दो रिवेट लगे हैं, और जो राइट साइड की जो प्लेट है उसमें भी ये दो रिवेट लगे हैं। तो इसको बोलते हैं सिंगल कवर डबल रिवेटेड बट जॉइंट। नेक्स्ट में ये डबल कवर है, एक कवर यहाँ पे लगा ऊपर, एक कवर यहाँ पे नीचे लगा, बोथ साइड्स कवर है। तो इसको बोलेंगे डबल रिवेटेड, सॉरी डबल कवर सिंगल रिवेटेड, क्योंकि ये जो प्लेट थी इसमें एक ही रिवेट आ रहा है और इधर वाली प्लेट में भी एक ही रिवेट आ रहा है। तो डबल कवर सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। नेक्स्ट में होगा डबल कवर, ये वाला कवर और ये वाला कवर, और डबल रिवेटेड बट जॉइंट। सो अब ऑप्शंस देखते हैं। सो ऑप्शंस में देखेंगे तो डबल कवर तो दिया है उसने, टू प्लेट्स है, टू कवर प्लेट है, तो डबल रिवेटेड का एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डबल रिवेटेड। नेक्स्ट है कि कहीं पे रिवेट्स लगे हुए हैं जहां पे एडजेसेंट रोज है वो स्टैगर्ड है, और आउटर मोस्ट रो में ओनली वन रिवेट है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं डायमंड रिवेटिंग। एक डायग्राम देख लेते हैं कैसे दिखता है डायमंड रिवेटिंग। तो ये इस तरीके से होता है कुछ डायमंड रिवेटिंग, कि ये एक रो थी रिवेट्स की, ये रिवेट्स लगे हैं यहाँ पे, और एडजेसेंट वाली थी इसमें यहाँ पे स्टेगर्ड कर दिए गए हैं। ये यहाँ पे इसके सीध में यहाँ पे ना लगा के थोड़ा नीचे को लगा है, मतलब स्टेगर्ड है, और उसके बाद आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही रिवेट है। तो इस टाइप के रिवेट्स को हम बोलते हैं डायमंड रिवेटिंग। दो कंडीशन होगी, स्टेगर्ड रिवेट्स लगे हैं और आउटर मोस्ट रो है जो उसमें एक ही रिवेट लगा है। नेक्स्ट में पूछा है कि कोई रो है उसमें जो एडजेसेंट रिवेट्स होंगे उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोला जाता है। तो एक पिच और गेज का एक डायग्राम देख लेते हैं कैसे होते हैं। सो ये कोई रिवेट्स का अरेंजमेंट है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकेंड रो, और ये हो गई थर्ड रो। अब ये वाला डिस्टेंस पूछा है, सेम रो के एडजेसेंट रिवेट का बीच का डिस्टेंस यही होगा। तो ये फोर्स के अलोंग वाला डिस्टेंस होता है, तो रिवेट्स के बीच में फोर्स के अलोंग जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं पिच। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये पिच, और इसके परपेंडिकुलर वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं गेज। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पिच। तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए, पिच। नेक्स्ट है 25। नेक्स्ट में पूछा है कि फेलियर जो होता है रिवेटेड जॉइंट का, वो किस किस तरीके से हो सकता है। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। क्रशिंग ऑफ रिवेट के कारण हो सकता है, रिवेट का शीयर फेलियर हो सकता है, रिवेट्स के बीच में प्लेट है वो टियर हो सकती है, जैसे कि ये रिवेट थे प्लेट में लगे हुए, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा था तो यहाँ से ये टियर हो गई प्लेट, तो इससे भी फेलियर हो सकता है।
और रिवेट और एज के बीच में भी फेलियर, ये टीयर होने के कारण फेलियर हो सकता है, जैसे ये एज है और ये कोई रिवेट है तो इनके बीच में ये जैसे यहाँ से फेल हो गई या यहाँ से ये कट गई, यहाँ से टीयर हो गई, तो ये भी फेलियर पॉसिबल है। सो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट में पूछा अनवेंस फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग डायमीटर डी कैलकुलेट करना है हमें, प्लेट की थिकनेस टी है, तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, पता ही होगा डी इज इक्वल टू होता है 6.05 √t। तो इस तरीके से डायमीटर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है गजेट प्लेट पे। गजेट प्लेट का पर्पस होता है कि ये दो या दो से ज्यादा मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस प्लेट का यूज किया जाता है, कि जैसे ये कोई प्लेट है और दो मेंबर हैं जिनको हमें जोड़ना, तो इस वाले मेंबर को भी प्लेट से जोड़ दिया और इस वाले मेंबर को भी प्लेट से जोड़ दिया, तो ये कनेक्शन फॉर्म हो गया, तो ये दोनों मेंबर जुड़ गए एक दूसरे से। इस केस में मिनिमम रिवेट्स कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम 2 रिवेट्स यूज कर सकते हैं। एक रिवेट को यूज किया है इस वाले मेंबर को कनेक्ट करने के लिए और दूसरे रिवेट को हम यूज कर सकते हैं इस वाले मेंबर को गजेट प्लेट से कनेक्ट करने के लिए। ये मिनिमम है, वैसे ज्यादा होते हैं लेकिन मिनिमम पूछे तो मिनिमम 2 ही रिक्वायर्ड है दोनों मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए। सो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट में पूछा है कि डायमंड रिवेटिंग में जो सबसे वीकर सेक्शन होगा वो कौन सा होगा। तो डायमंड रिवेट वाले डायग्राम पे चलते हैं फिर से। ये डायमंड रिवेट्स है, तो डायमंड रिवेटिंग में फेल हो अगर स्ट्रक्चर, तो अगर या तो ये होगा कि ये वाला रिवेट फेल हो जाए और ये वाला पार्ट इधर अलग हो जाए, तो ये 1 1 डेज पे फेल हो सकता है, या ये 2 2 डेज वाले भी फेल हो सकता है। 2 2 डेज पे फेल होगा तो कैसे होगा कि ये दोनों के बीच में ये वाली प्लेट टीयर होगी, तो इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी B-2D, क्योंकि 2 डायमीटर के होल आ गए तो इस प्लेट की स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई है, (t) प्लस RV। RV यहाँ पे रिवेट वैल्यू है, क्योंकि अगर ये वाला रिवेट नहीं फेल हुआ तो यहाँ से अगर कट के अलग भी हो गया तो भी ये प्लेट जुड़ी रहेगी, तो ये बिल्कुल डिटैच हो जाए, उसके लिए यहाँ से तो टीयर फेलियर हो और प्लस ये वाला रिवेट फेल हो। नेक्स्ट वाले सेक्शन के लिए निकालेंगे, तो 3 तो ये होल लगे हुए हैं, तो ये प्लेट यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, ये प्लेट यहाँ से फेल हो पूरी इस क्रॉस इस 3 डेज वाले सेक्शन से। तो इसके लिए प्लेट की स्ट्रेंथ होगी B-3D, या तो प्लेट की स्ट्रेंथ होगी प्लस ये वाला रिवेट और ये वाला रिवेट भी फेल होना चाहिए कंप्लीटली डिटेच होने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 RV। RV यहाँ पे रिवेट वैल्यू है। सो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और मिनिमम जो आता है ये इसके लिए आता है, जो सेक्शन 1 1 डेज वाला है ये सबसे क्रिटिकल सेक्शन होता है, क्योंकि इसके लिए अलोंग जो स्ट्रेंथ आती है वो सबसे कम आती है, इसके अलोंग स्ट्रेंथ होगी B-D (t), क्योंकि इस रिवेट को फेल होने के लिए किसी और रिवेट की फेलियर होने की जरूरत नहीं है, ये आउटर पे है तो यहाँ से प्लेट फेल होगी तो ये डिटेच हो जाएगी। सो आउटर मोस्ट वाला जो रिवेट है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट रो। नेक्स्ट में पूछा है जो हमने ऊपर किया वैसा ही कुछ है, बी विड्थ है, डी डाया है रिवेट्स का, और एफिशिएंसी निकालनी है जॉइंट की। एफिशिएंसी होगी कि प्लेट की क्या स्ट्रेंथ थी पहले और रिवेट्स लगाने के बाद प्लेट की क्या स्ट्रेंथ होगी, इनका रेशियो होता है। तो पहले ये बी विड्थ की, ये बी थी ये डायमेंशन और ये प्लेट थी, तो इसकी थिकनेस थी B×t। अब यहाँ पे एक रिवेट आ गया, रिवेट के कारण इसकी स्ट्रेंथ हो गई कम, क्योंकि यहाँ पे होल आ गया, यहाँ पे हमने रिवेट लगा दिया है, तो अब प्लेट की स्ट्रेंथ हो जाएगी B-D×t। एफिशिएंसी कितनी होगी जॉइंट की, कम वाला ऊपर आएगा तो कम स्ट्रेंथ ऊपर आ जाएगी B-D (upon) में यहाँ पे आ जाएगा B, जो प्लेट की खुद की स्ट्रेंथ थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा B-D/B, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये सारे बेसिकली स्टील के क्वेश्चन हैं, लेकिन सॉन्ग के चैप्टर में डाल दिए हैं
ऑथर ने, तो ये यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि कहीं पे ब्रैकेट है, कनेक्शन है, असेंट्रिक लोडिंग है, मोमेंट पी है, तो टेंजेंशियल फोर्स डेवलप्ड होगा किसी रिवेट पे, वो क्या होगा। तो वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर फॉर्मूले में पता नहीं है तो भी हो जाएगा। डायमेंशन देखोगे इसमें, यहाँ पे ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि डायमेंशन टेंजेंशियल फोर्स की पूछी है जो आनी चाहिए न्यूटन में, तो इसमें तो रूट एम आ रहा है, तो न्यूटन का रूट आएगा तो ये नहीं हो सकता। इसमें न्यूटन नीचे आएगा क्योंकि मोमेंट नीचे आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये आंसर हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो काफी बार इस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को बिना देखे स्किप ना करें और सारे ऑप्शन जरूर देखें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है, कंपेरिजन हो रहा है वेल्डेड कनेक्शन का और रिवेटेड कनेक्शन का। वेल्डेड कनेक्शन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि रिवेट्स में हम होल्स बनाते हैं और होल बनाते हैं उतना एरिया कम हो जाता है। अब अगर टीयर फेलियर हो रहा है तो वो एरिया रिड्यूस हो जाता है प्लेट की थिकनेस में से, और वेल्डेड कनेक्शन होता है वो प्लेट की पेरेंट प्लेट की मेंबर की जितनी थिकनेस थी उतने की उतनी थिकनेस अचीव कर लेता है। वेल्डेड ज्वाइंट होते हैं उनकी फिनिशिंग अच्छी आती है। लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि वेल्डिंग होता है ये रिवेटिंग के बदले ज्यादा क्विक प्रोसेस होता है। मशीनरी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए, लेकिन प्रोसेस काफी क्विक होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन ई। नेक्स्ट में पूछा है कि कौन से टाइप का बट ज्वाइंट है जो कॉमनली यूज होता है। ऑप्शन यहाँ पे है डबल वी बट ज्वाइंट, सिंगल वी बट ज्वाइंट, डबल यू बट ज्वाइंट, सिंगल इन्वर्टेड वी बट ज्वाइंट। सो आंसर ऑप्शन ए होगा, कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे ऐसे ऐसे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम लोड एक फिलेट ज्वाइंट कितना ले सकता है जिसकी लेंथ एल है और उसकी साइज है वो एस है। वैसे मेंशन किया नहीं है, करना चाहिए, साइज है वो एस है। तो ये फिलेट वेल्ड इस तरीके से होता है कुछ, तो इसमें हम थ्रोट थिकनेस लेते हैं, ये वाले थिकनेस लेते हैं, ये होगी 0.7 इंटू एस, एस अगर वेल्ड का साइज है। वन मिनट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, एक्चुअली उन्होंने दिया नहीं है कि एस क्या है, और मोस्टली एस होता है वो वेल्ड साइज के लिए यूज होता है सिंबल, लेकिन इन्होंने जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वेल्ड पे उसके लिए यूज किया। तो ऐसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है जो कि कोई एक वेल्ड है फिलेट वेल्ड वो ले सकता है, इस तरीके से होता है फिलेट वेल्ड कुछ। इसमें इस वाले डायमेंशन को हम बोलते हैं वेल्ड साइज, और ये वाली जो डायमेंशन होती है हाइपोटेनस की परपेंडिकुलर वाली, इसको बोला जाता है थ्रोट थिकनेस। तो ये वाला क्रिटिकल सेक्शन होता है वेल्ड के फेल होने के लिए, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो थ्रोट थिकनेस लेना है 0.7 इंटू वेल्ड साइज। अगर ये एंगल 90 डिग्री ना होके कुछ कम ज्यादा हो तो ये वैल्यू चेंज होती है, लेकिन स्टैंडर्ड केस में इसको 0.7 लेते हैं। तो 0.7 इंटू वेल्ड साइज इंटू यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेंथ, जो उसकी स्ट्रेंथ है इंटू, या फिर यहाँ पे लेंथ लिख सकते हो, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस। सो ये बेसिकली इफेक्टिव एरिया आ गया जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एस यहाँ पे शीयर स्ट्रेंथ है, सो एरिया को स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लोड। मैक्सिमम इतना लोड कोई फिलेट वेल्ड है वो ले सकता है, सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बट इनको मेंशन करना चाहिए था कि ऐसा वो किस सिंबल के ये है, सिंबल है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पे कोई दो मेंबर है जो कि कनेक्टेड है वेल्ड से, और हम एक मेंबर को रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस आएगा उसके बारे में पूछ रहा है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक प्लेट है और इसके नीचे ये कोई दूसरी सर्कुलर रोड है जो कि कनेक्टेड है, और ये वेल्डिंग से यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें वेल्डिंग की हुई है। इसको अगर हम टॉर्क देते हैं
और इसको हम रोटेट करने का ट्राई करेगा, ये टॉर्क होगा इसको, और टॉर्क अगर टी लग रहा है तो किसी मेंबर पे सीएस स्ट्रेस आएगा, उसका फॉर्मूला होता है ये। तो हम कह सकते हैं कि सीएस स्ट्रेस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आर के, क्योंकि टी और जे तो कांस्टेंट है। सो टाउ होगा वो सीएस स्ट्रेस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आर के, आर रेडियल डिस्टेंस है सेंटर से। सो जो मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट होगा उसके लिए आर सबसे ज्यादा होगा, और वहीं पे टॉर्जन के कारण सीएस स्ट्रेस ज्यादा हो आ रहा होगा। तो वेल्ड जो है वो मैक्सिमम सीएस स्ट्रेस वहां पे रिजिस्ट करेगा जहां पे मैक्सिमम सीएस स्ट्रेस आ रहा है, और मैक्सिमम सीएस स्ट्रेस वहां पे आएगा जहां पे आर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो आंसर हो जाएगा मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है कि ये प्लेन है मैक्सिमम, ये प्रिंसिपल प्लेन है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेज होते हैं। प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन ये है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेज होते हैं मैक्सिमम होते हैं, और शीयर स्ट्रेस होता है वो जीरो होता है। ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेज होते हैं वहां पे जो मैक्सिमम होते हैं कंप्रेसिव या टेंसाइल, और शीयर स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो शीयर स्ट्रेस एक्ट। जब किसी प्लेन पे कोई भी शीयर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। नेक्स्ट 36, यहाँ पे एक बार है जिस पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, और हमें उस टेंसाइल फोर्सेस के कारण रिजल्टिंग नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है एक ओब्लिक प्लेन पे जो कि एंगल थीटा बना रहा है ट्रांसवर्स प्लेन से। सो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये एक मेंबर है, ये इस तरीके से इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, और ये इसे थीटा एंगल बनाते हुए ये प्लेन हो गया जिसका एरिया मैंने ए डैश से डिनोट किया है। ये यहाँ पे फोर्स इस तरीके से जा रहे हैं। अब ये 36 और 37 दोनों में, एक में नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है एक में टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, टेंसाइल स्ट्रेस होगा टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पे इस पे नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, ये पी इस तरीके से होगा, तो ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और इन दोनों का सम 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये पी अगर इस तरीके से लग रहा है तो पी का इधर वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए हमें नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए, जो कि हो जाएगा पी कोस थीटा। तो पी कोस थीटा हमने लिख दिया टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब ए डेस और ए में रिलेशन निकालने के लिए हम ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, तो ये है एरिया ए, तो कोस थीटा की इक्वेशन लिखेंगे, तो कोस थीटा आएगा ए बाई ए डेस, और ए डेस हो जाएगा ए बाई कोस थीटा, तो ए डेस की जगह हम ए बाई कोस थीटा लिख देंगे। ए डेस यहाँ पे है वो इस इंक्लाइंड वाले प्लेन का एरिया है जिसपे हमें नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, तो ये आ जाएगा पी बाई ए कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। लेकिन आपने इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, आगे कुछ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहां पे डिटेल में फॉर्मूला बता दूंगी कि क्या फॉर्मूला होता है और उसको कैसे याद रखा जाता है। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये उस फॉर्मूले से भी आ जाएगा स्टैंडर्ड वाले से, आगे मैं निकाल के बताऊंगी कुछ दूसरे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वाले में हमें निकालना है टेंसाइल स्ट्रेस, या जिसको हम शीयर स्ट्रेस भी बोलते हैं। शीयर स्ट्रेस निकालने के लिए ये पी कोस थीटा रखा था, ये था परपेंडिकुलर वाला फोर्स, अभी हमें टेंजेंशियल वाला फोर्स रखना है, तो जो कि हो जाएगा पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कोस थीटा, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से आएगा P बाई ए, यहाँ आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा, और हमें पता है कि 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो इसको इस तरह दोनों जगह 2 लिख देंगे, और इस 2 साइन थीटा cos थीटा को 2 साइन थीटा लिख देंगे, तो आंसर आएगा P साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2a, सॉरी स्क्वायर नहीं है ये, मल्टीप्लाई में है, इस तरीके से लिख दिया गलती से।
सो पी बाई साइन थीटा इंटू डिवाइडेड बाई टू ए, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 38। नेक्स्ट में कोई बॉयलर है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस लगेंगे सर्कमफ्रेंस के अलोंग और एक्सियल डायरेक्शन में, उन दोनों का रेशियो पूछा है। ये फॉर्मूले होते हैं, ये इस तरीके से जो होंगे लेंथ के अलोंग उनको हम बोलेंगे एक्सियल फोर्स या लॉन्गिट्यूड एक्सियल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जो लेंथ के अलोंग है ये हो गया एक्सियल, जो एक्सिस के अलोंग है लेंथ के अलोंग है इसको हम बोलेंगे हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेसेस के कारण ये यहां से स्प्लिट होने का कोशिश करेगा और एक्सियल स्ट्रेसेस के कारण इस प्लेन के अलोंग या इस प्लेन के अलोंग सॉरी इस वाले प्लेन के अलोंग स्प्लिट होने का ट्राई करेगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के कारण अगर ये फैले होगा तो ये जो सर्किल यहाँ पे बन रहा है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है इसके अबाउट स्प्लिट होने का ट्राई करेगा, और ये यहाँ पे हुप स्ट्रेसेस जो लग रहे हैं इनके कारण ये डायगोनल स्प्लिट होने का ट्राई करेगा, और डायगोनल स्प्लिट होने का ट्राई करेगा तो ये इस वाली एक्सिस के अबाउट स्प्लिट होने का ट्राई करेगा। ये थी जनरल सिग्निफिकेंस हुप स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस की, जो कि आते हैं अंदर जो प्रेशर आ रहा है पी उसके कारण। अगर पी अंदर प्रेशर है तो जो सर्कमफ्रेंस या स्ट्रेस आएंगे जिसको हुप स्ट्रेस भी बोला जाता है, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि हुप स्ट्रेस के नाम से भी पूछ लेता है और सर्कमफ्रेंस या स्ट्रेस के नाम से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। सो ये हो जाएगा पी डी बाई टू टी होता है और एक्सियल का होता है पी डी बाई फोर टी। वैसे तो काफी सिंपल है, कॉमन सा है कि एक्सियल और लॉन्गिट्यूडल एक ही है, फिर भी आप इससे भी याद रख सकते हैं कि दोनों सेम है अगर आपको ना क्लियर नहीं है एक्सियल का। और ये डायरेक्टली याद रखने हैं, डेरिवेशन के थ्रू याद नहीं रखने हैं क्योंकि टाइम के कारण प्रॉब्लम होती है फिर वहां पे रिकॉल करने में। सो आप कुछ भी ट्रिक बना के अपने हिसाब से याद रख सकते हो, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए और दोनों अगर याद है तो ये आंसर आराम से हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सर्कमफ्रेंस तो ये पीडी बाई टू टी डिवाइडेड बाई पीडी बाई फोर टी, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा टू। सो आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि हुप और टू ये कुछ सिमिलर से साउंड कर रहे हैं, टू और हुप का हुप। तो ये जनरल में एक आइडिया दे रही हूँ, इस तरीके से ट्रिक बना सकते हो आप याद रखने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 39। यहाँ पे कोई बार है रेक्टेंगुलर जिसमें दो परपेंडिकुलर टेंसाइल फोर्सेस हैं, तो ये बार कुछ इस तरीके से होगी और ये एक टेंसाइल फोर्स है और ये दूसरा टेंसाइल फोर्स है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और इसके कारण इसका जो एलोंगेशन होगा लेंथ में किसी भी डायमेंशन में इसका एलोंगेशन निकालना है। तो अगर इस डायमेंशन का ये एलोंगेशन निकालें तो ये होगा P बाई ई, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है ई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, तो स्ट्रेन हमें निकालना है तो ये हो जाएगा स्ट्रेस बाई ई। तो ये जो P प्रेशर लग रहा है इसके कारण इस वाली जो डायमेंशन में जो स्ट्रेन आएगा वो इतना होगा, ये जो दूसरा परपेंडिकुलर वाला जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है इसके कारण भी कुछ स्ट्रेस आएगा सॉरी स्ट्रेन आएगा इस डायरेक्शन में, वो निकालने के लिए पहले हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी में निकाल लेते हैं फिर एम की हेल्प से हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहां पे मैं अगर पूछूं कि ये वाली जो डायमेंशन है ये वाली डायमेंशन है इसमें कितना स्ट्रेन होगा, तो इसमें स्ट्रेन होगा पी बाई ई और दूसरा में m का फॉर्मूला पता है कि 1 बाई एम इज इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है p बाई ई, तो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स p लग रहा था इस फोर्स के कारण
इसकी लेंथ के अलोंग इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो यह आएगा। अब हमें निकालना इस वाले फोर्स के कारण स्ट्रेन। तो एक फॉर्मूला होता है 1/m = -lateral strain / longitudinal strain। लेटरल स्ट्रेन यहाँ पे होगा अगर P इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके कारण जो इस डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और इस डायरेक्शन में आएगा वो होगा लेटरल स्ट्रेन। तो पहले हम ये फोर्स की डायरेक्शन का लॉन्गिट्यूडनल वाला निकाल लेंगे जो कि होगा P बाई E इस डायरेक्शन में भी और फिर लेटरल वाला निकालेंगे तो ये P बाई E रख दिया लॉन्गिट्यूडनल की जगह और नीचे आ जाएगा MU इस वाले फॉर्मूले से। सो माइनस पी बाई एम ई माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि इधर अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो इसके कारण ये वाली डायमेंशन होगी ये डिक्रीज होगी। इधर फोर्स लगा रहे हैं टेंसाइल तो उसके कारण क्या होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कम होता है। इट मीन्स टेंसाइल फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उस टेंसाइल फोर्स के कारण उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो नेगेटिव होगा। ओके सो ये था इस वाले पी के कारण स्ट्रेन और ये है इस वाले पी के कारण स्ट्रेन। तो टोटल स्ट्रेन हो जाएगा पी बाई ई माइनस पी बाई एम ई और 1/m को हम म्यू भी लिख सकते हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 - μ। अगर ये इधर की तरफ लग रहा होता यहाँ टेंसाइल होता और यहाँ कंप्रेसिव होता अगर ये फोर्स जो यहाँ लग रहा है तो फिर ये यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आता। क्यों? क्योंकि अगर ये कंप्रेसिव फोर्स यहाँ लग रहा है तो ये लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ऑप्शंस में यहाँ पे कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है पी बाई ई 1 - μ या फिर पी बाई ई 1 - 1/m होगा वो आंसर होगा। ऑप्शंस में कोई भी मैच नहीं कर रहा है एम की जगह म्यू लिख दें तो ये वाला आंसर करेक्ट हो सकता है लेकिन अभी नहीं है कोई सा भी। नेक्स्ट में पूछा है कि बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव ले लेंगे एंटी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव ले लेंगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स का हम सम करते हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन भी इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइप को क्या सम को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। तो बेंडिंग मोमेंट होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो सारे इंडिविजुअल फोर्स आ रहे हैं उसके कारण जो इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण जो मोमेंट आ रहे हैं उन मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम मीन्स साइन के साथ में सम जो होगा उसको हम बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट और वो हमें किसी एक साइड का निकालना है। अगर ये कोई बीम है और अगर यहाँ का हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो आप या तो इस साइड का निकाल सकते हो राइट साइड का निकाल सकते हो या फिर लेफ्ट साइड का निकाल सकते हो। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। सो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा है आपको कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में कुछ हेल्प मिली है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक यू।